सम्यास कुकिंग डायरी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ नए तरीके से साबूदाने की खीर। आपने साबूदाने की खीर तो बहुत खाई होगी, पर ऐसे साबूदाने की खीर नहीं खाई होगी। इसको बच्चे बड़े सभी भी खा सकते हो। नवरात्रि में इसको बनाइए, बहुत ही ज़्यादा स्वाद भरा लगेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्राई पैन ले रही हूँ, उसके अंदर हाफ टेबल स्पून घी डाल रही हूँ। और एकदम ये सूखा साबूदाना है, इसको मैंने वॉश नहीं किया है। और यहाँ घी गर्म होने पे इस साबूदाने को इसमें डाल रही हूँ। ये मैंने हाफ कप साबूदाना दिया है, इसको मीडियम फ्लेम पे भूनना है, 1 मिनट तक हमें भूनना है। 1 मिनट हो गया, आप देख सकते एकदम खिला खिला साबूदाना हो गया है। इसको एक बर्तन में निकाल रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने हाफ कप साबूदाना लिया है, तो यहाँ पे हाफ कप पानी डालना है, दोनों इक्वल होना चाहिए। और इसको 2 से 3 घंटे के लिए हमें ढक के रख देना है। 2 से 3 घंटे हो गए हैं, पानी सूख गया है, साबूदाना सोख लिया है पानी। अब आपको मैं यहाँ पे दबा के दिखा रही हूँ। देखिए साबूदाना अच्छे से गल गया है, आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि मैंने इस साबूदाने को पका लिया है। अब हमें एक बर्तन लेना है, उसके अंदर यहाँ पे 1 कप साबूदाना हो गया है, तो अब इसके अंदर में हमें 1 कप पानी डालना है। और मैं यहाँ पे इलायची डाल रही हूँ, आप इसके इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, मैं खड़ा डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं पिस्ता ले रही हूँ और काजू ले रही हूँ, इनको हमें डाल देना है। अब इसको हमें 1 मिनट तक पकाना है मीडियम फ्लेम पे। ये साबूदाना है चिपक जाता है, और गैस का फ्लेम लो रख देना है। और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे 1.5 ग्लास दूध ले रही हूँ, इसको हमें दूध को अच्छे से उबाल आने तक पकाना है। और दूसरी तरफ मैंने साबूदाना रख रखा है, उसको भी देखते रहना है ताकि हमारा साबूदाना जले नहीं। देखिए मैंने इसको 1 मिनट होने के बाद बंद कर दिया है गैस को, ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है साबूदाना। अब दूसरी तरफ हमारा इधर दूध भी पक रहा है, इसको थोड़ी गाढ़ी करनी है। मैं यहाँ पर कलर के लिए 1 पिंच मीठा कलर डाल रही हूँ, कलर बहुत अच्छा आता है, आप ये स्किप भी कर सकते हैं इसको। हमारा दूध भी देखिए गाढ़ी हो रही है। अब यहाँ पे 1/4 कप हमें शक्कर डालना है, शक्कर अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और जो मैंने साबूदाना को उबाला था उसको डाल देंगे। इससे क्या है, साबूदाना बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगता है, और लगेगा ही नहीं कि आप साबूदाना खा रहे हैं। और कंटिन्यू हमें मीडियम फ्लेम पे पकाना है, 1 मिनट इसको भी लगता है बनने में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब हम गैस को ऑफ कर दिए हैं, देखिए साबूदाना बनके हमारा तैयार हो गया। इसको गर्मा गर्म खाइए, बच्चों को खिलाइए, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बना है। आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।